नमस्कार दमदार फोर को स्वागत करुच्ची मु तपस्विनी सबुदिन आपण माने देखुथले चारटी गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु आज गोटे गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा ताहा हेउची माडी आसुची बात्या जवाब ए नाटा सुनिले आपण पुणी थरे डरी जाइथिबे कि आमे केते आउ बात्या को सामना करिबु ए कोरोना महामारी समय रे एवं चासी माने मते चिंता रे अछंती बिलरे धान कटा हे पडिची अनेक चासी कर धान कटा मते जाइनी किंतु आउ एको बात्या को नेकी समस्तक मन रे छनका एवं आज आईएमटी डीजी पूरा कन्फर्म कर देइछंती कि जे गभीर अवपात बात्यार रूप नहीं सारी जार ना हेउची जवाद किंतु ता पूर्वरु ओडिसा रे प्रस्तुति प्राय चूड़ांत पचाव रे केवल ओडिसा नुहे अलर्ट करा जाइछि आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंग को मध्य जदि ओडिसा कथा देखिबा ताले कुआ जाउछि जे बात्या जवाद गुलाब ठारु अधिक आउ तितली ठारु कम रहिबो काहेकि एक कथा कहूँ ना गुलाब आसीथिला 2018 मसीहा ठीक ए समय रे अक्टोबर मास रे एटा तो आसिक डिसेंबर हेलाणी जो अक्टोबर रे आसीथिला तार प्रभाव सेतेटा नथिला तेनु कह जाउछि जे जवाद आउ टिके गुलाब ठारु अधिक हब किंतु तितली ठारु कम हेबो तितली ठारु कम हेबो काहेकि ना तितली रे जेभळी भाबरे गजपति पूरा कहबा को गले गोटे गाँ माटी रे मिसी जाइथिला तार ठारु कम हेबो पूरा अर्धा ओडिसा वर्षा रे भिजिबो ताले आईएमटी डीजी आउ थरे कोन कहिछंती म आपण मानको कहि रखुची कि जे बात्यार रूप नेला बंगोपसागर रे थिबा गभीर अवपात ए नै सूचना देइछंती आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र कहिछंती जे बात्या जवाद आसंता काली संध्या रे विशाखापट्टनम रे समुद्र रो भितरे दिग बदलाइबो तापरे ओडिसा उपकूल दे गति करिवो 5 तारीख मध्यान रे पुरी जिला एवं यार आखपाख अंचल अतिक्रम करिवो 3 तारीख मध्यान रे पुरी रे स्थलभाग छुइबो सेतबेले पवन रो वेग 80 रु 90 किलोमीटर रहिबो केतेक स्थान रे पवन रो वेग 100 किलोमीटर रहिबो ओडिसा पई सतर्क सूचना जारी करिछंती आईएमडी डीजी उपकूल ओडिसा रो वर्षा सहित पवन रो वेग मध्य बढ़िबो केतेक स्थान रे पवन रो वेग 80 रु 90 किलोमीटर रहिथिबा बेले आउ केतेक स्थान रे 100 किलोमीटर रहिबो ओडिसा पई सतर्क सूचना जारी गति करा जाइछि कालीठु वर्षा बढ़िबो 6 तारीख कमिबो तेबे एहार प्रभाव रे आजि ठारु राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि मध्यरात्रि रु ओडिसा रे पवन रो वेग बढ़िबो गंजाम कटक खोर्धा रे पवन रो वेग 60 रु 70 किलोमीटर रहिबो किछि जिल्ला रे 100 रु 200 मिलीमीटर वर्षा संभावना रहिछि पुरी जिल्ला रो उपकूल रे बात्या जवाद छुइबार संभावना थिबारु सजाग होइछंती राज्य सरकार जो मत्स्यजीवी माने मध्ये अछंती मत्स्यजीवी माने समुद्र रु फेरिबा आरंभ करिछंती एवं आउ किछि फेरुछंती आज संध्या सुधा समस्त फेरि आसीबे किछि मत्स्यजीवी समानंकर बोट गुडी को मध्ये कूल रे लगाउछंती काहेकि ना जेतेबेले बात्या आसीबो पवन रो माड़ रे हुए तो तांकर जेहेतु जीविका नष्ट होइ पारे बोट भांगी जाइ पारे से माने भी सजाग अछंती एपटे चासी कूल मध्ये धान बिल रु धान काटि घर को बहुछंती तेबे बात्या जवाद को लेकिन केमिति केउं जिल्ला रे रहिछि प्रस्तुति एवं प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंचला कि नहीं से संपर्क में अधिक सूचना आलोचना पाई भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि अच्छा शांत स्वरूप राउत पूर्व प्रतिनिधि अच्छा संजय महापात्र एवं ब्रह्मपुर अच्छा राधाश्याम आचार्य प्रथम जीवाक चाहिए भुवनेश्वर प्रतिनिधि अच्छा शांत स्वरूप शांत अधा ओडिशा वर्षा भिजिब अधा ओडिशा कलबल हेब एवं कहुच्छ कि जे तितली ठारु कम हेब एवं बात्या गुलाब ठारु टिके अधिक प्रभाव रहिबो जवाद रो देखु तपस्वी तुलनात्मक भाव देखा जो दुईट उदाहरण दिले तेतली कथा कहतु और गुलाब कथा कहतु गुलाब संपूर्ण पाकर देखा यह तो सीधा साल ओडिशा रे माड़ हो नाला कि आंध्र प्रदेश जाता ओडिशा दे घसी हो जाता और यार प्रभाव एत मात्र देखा देना कि तेतली प्रभाव किसी कांशा उपर यार जेहेतु ओडिशा दे पश्चिम मुहां होता तेणुकर यार प्रभाव में किसी उपकूलवर्ती जिला गुड़िक क्षयति होता प्रबल वर्षा होता और पवन बेग शहे ऊर्ध रही थिला। तो जदि से भितर जब देखा बात्या जवाद को नहीं जा आकलन करदियों बर्तन सुधा पाणीपाग विभाग निर्दिष्ट भाव कौन स्पष्ट सूचना दे पार ना निर्दिष्ट लैंडफल समय और तार ठिकना के स्थानु कर एक प्रकार जो संकेत मिली पूरी आखपाख कौटी भी स्थलभाग छुई पारे और जदि भी पूरी न छुई किसी दूरता दे गति पारे जहाँकि निकट दूरता रही पूरी ए प्रक्रिया कहुई बर्तन तो बात्या आज दिन
11:30 मिनिट रे घनीभूत हो सारी केन्द्रीभूत हो बर्तन आहुरी ए सीभियर साइक्लोनिक स्टर्म बा अति तीव्र सामुद्रिक झड़ रूप नहीं आसंता काली सकाळे उपकूल रे पहुंचिब दिन तमाम अर्थात 12 घंटा धरी ओडिसा रे एहा रहिबो एवं एहार प्रभाव देखा देबो एथि लागि आज मध्यराती ठारु राज्य रे विशेषकर दक्षिण ओडिसा एवं उपकूलवर्ती जिला गुडी करे पवन रे बेग बढ़िबो वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो एवं पवन रे बेग जहां कहा जाइछि उपकूलवर्ती जिला जेतु एहा एलंग द कोस्ट बोली कहा जाइछि अर्थात उपकूल देई तहा पश्चिम मुहा हेबो तेनकुरि एहार प्रभाव रे पवन रे बेग पाखापाखि उपकूलवर्ती जिला जोडी कर रहिला गंजाम जगतसिंहपुर पुरी एवं केन्द्रापड़ा यही चार जिले में पवन बेग 60-70 किलोमीटर बेगर रही है जहां मध्यराती पर धीरे धीरे वृद्धि पाइब एवं आसंता काली सका पवन बेग आउ टे वृद्धि पाई 80-90 एवं झटका पवन झटका 100 छुईब बोली वर्तमान पानीपाग विभाग पक्ष आकलन करतमान जहाँ ताजा आकलन कर पूर्व जद कहला आसंता काली सकाळे एहा स्थलभाग निकट रे पहुंचिबो किंतु एबे भी सही स्थलभाग रे आसंता काली सकाळे पहुंचिबो किंतु किछि बा सामान्य विलंब हेबो लैंडफॉल रो जो प्रक्रिया रही छि ताहा संभवतः विलंब हेबो आसंता काली अपराह्न बा संध्या समय होइ जाय पर एपरि कि जदि आहुरी तार जो बेग रहै छि फेरि भी आपन को पाक्कु वर्तमान जीवा संजय महापात्र अछन्ति संजय जेतेबेले 5 तारिख मध्यान रे बात्या जवाद ओडिसा रो उपकूल एवं पुरी रे लैंडफॉल करिबो बोली एसआरसी गोटे सतर्क बाणी देइछन्ति या परे पुरी रो प्रस्तुति चुडांत पर्याय रे पहुंचे सल्लाणी कि निश्चित भाव में जेहेतु बात्या बात्या जो संभाव्य बात्या को लेकर बर्तमान जो प्रस्तुति कथा जो कही तो निश्चित भाव में आईएमडी जो सूचना देखते पुरीर जेको अंश में सी लैंडफॉल कर एवं जहां बर्तमान आशंका करा जाउछि जे कृष्ण प्रसाद हे पारे किंबा अस्तरंग रे जेको स्थान रे लैंडफॉल करिवो एवं सेतु से सीधा सड़क पुणी समुद्र भितर को ब्याक करिवो एवं जहाँकि सूचना रही वेस्ट बेंगल आड़कू सी गति करेणु वर्तमान स्थित को जब आम देखा ताक नजर रखे जिला प्रशासन पक्षर स्वतंत्र प्रस्तुति आरंभ करतमान किभली भाव में बात्या बात्यार मुकबिला से वर्तमान रेस्क्यू टीम आम जी कही 23 टीम गठन करीम भितर रही एनडीआरएफ रही ओडीआफ रही अग्निशम बाहन रही तेणु यही भाव में टीम प्रस्तुत देकी रही वर्तमान एनडीआरएफ टीम रो स्वतंत्र टीम बर्तमान कृष्ण प्रसाद अभिमुखे यात्रा करतरंग स्वतंत्र भाव में एनडीआरएफ टीम एवं ओडीआफ टीम पठा जाए जहां जिला प्रशासन जहां सूचना रही जिलापाल जहां सूचना देखते किभली भाव में बात्या समय जीरो कैजुआलिटी होपार जीरो कैजुआलिटी को से विशेष गुरुत्व देते कारण आप जानते फर्णी समय जीरो कैजुआलिटी को लेकर प्रशासन प्रस्तुत होता ठीक समान प्रस्तुति यही समय कर जानते वर्तमान अस्तरंग जेहेतु चलियांचल रही से ही जगह लैंडफॉल आशंका रही कृष्ण प्रसाद चलियांचल रही चिलिका मझे रही तेणु से ही सब अंचल विशेषकर अधिक संख्याक लोक इवाकुएट कर 10,000 रु 20,000 भितर लोक मान इवाकुएट कर संपर्कित खबर आलोचना रही है वर्तमान दिल्ली प्रतिनिधि लिपिका महंत आम सहित जोड़ी होती लिपिका आप आसबि किंतु प्रथम जी ब्रह्मपुर प्रतिनिधि अच्छा राधाश्याम आचार्य पाखक राधाश्याम जो जिला गुड़ी को सतर्क सूचना जारी कर गंजाम विगत किछि दिन है गंजाम चाषी मैंने हंतसंत होते मरुड़ जनित समस्या नहीं केत अधिक लघुचाप जनित वर्षा को लेकिन पुणी बोझ उपर नलिता बेड़ा भ बात्या आसुची गंजाम जिलार प्रस्तुति शेष हो बास्तव में देखो बात्या कौटी लैंडफॉल करके जो कल्पना जगवा रागी रही है कौटा कौटी पानीपा विभाग पूर्वानुमान कर पुरी लैंडफॉल करूँ जदिव पुरी लैंडफॉल कर यार प्रभाव में दक्षिण उपकूल अधिक रु अधिक वर्षा हे जदिव पवन प्रभाव एत रही कि वर्षा जेहतु हम या आधार कर जिला प्रशासन निजर पूर्व प्रस्तुति आरंभ कर देखिए आप खास कर देखि पानीपा विभाग पक्ष सूचना दि जाइए गंजाम गजपति पुरी जगतसिंहपुर ये चारोटि जिला जेहतु रेड अलर्ट जारी कर गंजाम गजपति आसुच तो या दृष्टि रखी जो तहसीलदार विडीओ मानक सतर्क घंटी जारी करंजाम जिला कथ मुझ कह गंजाम जिलार प्रमुख तो जो
ପାହାଡିଆ ଏରିଆରେ ଅଧିକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପାତ୍ରପୁର ଯୋଉ ପୁରା ତାଲ ଆଙ୍କୁଲି ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ କେମିତି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଯୋଉ ଉପକୂଳ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଯୋଉ ଜବାତର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ମହାବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାକୁ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଶକ୍ତି ଜୁଟାଇକି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସେ, ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭ ଫୁଲେ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଆସେ, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ରହେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅନେକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପକୂଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତିକୁ ପରଖୁଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ଝିପ୍ ଝିପ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପବନର ବେଗ ଯଦିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜୁଆର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପାଣି ଗୁଡ଼ିଆ ହେଲାଣି, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ଫୁଲିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ଫୁଲେ, ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ନଦୀର ପାଣିର ଆଉ ନଦୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ସଙ୍ଗମ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଯୋଉ ମୁହାଣ ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ନଦୀ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ନିଷ୍କାସ ନେଇପାରେନି, ତା ସେହି ସମୟରେ ନଦୀ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଉଛୁଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଷିକୁଲିଆ ବାହୁଦା ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ୟାକୁ ଆଧାର କରିକି ଧରାକୋଟ ସୋରଡ଼ା ଏପଟେ ପୁରସ୍ତପୁର ଖଲିକୋଟ ଏଭଳି ଯୋଉ ପାତ୍ରପୁର ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯିବ, ତା ସହିତ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁଠୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅଧିକ ଚଡ଼କ ପଡୁଛି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଅନେକ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ମହାବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯଦିଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବର୍ଷାକୁ ନେଇକରି ଏବେ ଚାଷୀକୂଳ ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ବିଲକୁ ପରୀକ୍ଷିଥିଲୁ, କିଛି ବିଲରେ ଧାନ କଟାଯାଇଛି ତରବରିଆ ଭାବେ, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କଟାଯାଇକି ବିଲରେ ପଡି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଧାନ କାଟିକି ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଉ ବର୍ଷା ଯୋଉ ପାଣି ପଡିବ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ଫସଲ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲ, ଇଏ ଉଷୁଡ଼ି ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଚାଷୀ କୁଅ କରିବ କ'ଣ, ୟାକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜଲିପାଲ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବେ କହିକି, ଆଉ ତା ସହିତ ଧାନ ଫସଲ ସହିତ ପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଓକେ ରାଧାଶ୍ୟାମ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଲିପିକା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କି ଯେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ଯୋଉ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲେ, କହିପାରିବା କି ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ଗତିପଥ ରହିଛି ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଯେଉଁ ଗଭୀର ଆବପାତ ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗତି କରି ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ କିଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ପିକ୍ଚରରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାଟି ଏହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ରୁ 420 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ତାପରେ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ସାଟେଲାଇଟ୍ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆଇଏମ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହାର ଦିଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଇଏମ୍ଡିର ଆକଳନ ରହୁଛି କି ଯେ ଏହା ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଗୋଟେ ଆକଳନ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଯାହା ବି ସୂଚନା ରହିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଏବେ ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବ, ତାପରେ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହା ଉତ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଆଇଏମ୍ଡିର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଇଏମ୍ଡିର ଡିଜି ଆକଳନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ପୁରା କହିସାରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଅବପାତ ଏବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଯାହାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଜବାଦ, ତେବେ ଏହା ପୁରୀର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବା ନେଇକି ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ସେଇଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା କି?
देखंतु से नै वर्तमान पर्यंत आईएमडी डीजी स्पष्ट कहि नहांदे सीधा सळक कहि चंदि कि जे एहा पुरी रे लैंडफॉल करि पारे किंतु जो दिग्ग परिवर्तन जदि एही बात्या करे वर्तमान एहा उत्तर रु उत्तर पश्चिम दिगरे गति करूची जदि एहा दिग्ग परिवर्तन करे दिग्ग एहा भी होई पारे एहा पुरी उपकूल छुईबा पूर्वरु एहा दिग्ग परिवर्तन करि देई पारे जहार प्रभाव केवल रहिबो किंतु जदि आईएमडी डीजी को कहिबा अनुसार कहिबे सी सीधा सळक एबे कहउ चंदि पुरी रे लैंडफॉल करि पारे बोली जदि एहार दिग्ग परिवर्तन करी आगो को पछो को पुणी एहा समुद्र मध्य को मध्य जिबार जहा आकलन करथिले किंतु तांकर वर्तमान रे जहा ताजा सूचना रही छि कि जे पुरी रे एहा लैंडफॉल करि पारे किंतु पुरी रो केउ उपकूल रे केउ स्थान रे करिवो से नै वर्तमान पर्यंत कोनोसी स्पष्ट सूचना नाही जहा पूर्वरु आकलन करा जाउथिला कि जे एहा दक्षिण ओडिसा रे एहार प्रभाव रहिवो किंतु वर्तमान जहा अपडेट रही छि ताहा पुरी निकट रे एहा लैंडफॉल करि पारे बोली जहा सूचना रहू छि एवं एहा मध्य रे जदि दिग अधिक परिवर्तन दक्षिण रु दक्षिण पूर्व दिग को गति करे तेबे ताहा पुणी यू टर्न मारी पुणी समुद्र भितर को मध्य जाई पारे पुणी थरे जाई पारे बोली जहां सूचना दोतले आईएमडी डीजी निश्चय विशाखापाटन समुद्र रे हुए तो यही बात्याटी दिग बदल पार दिग जत बदल कौटी लैंडफॉल कर तार प्रकृत तथ्य ही मिल पार आई घंटार अपेक्षा रहा परवर्त बुलेटिन जितेबाला जारी पापाग विभाग तरफ आपण सहित आलोचना आगक जारी रुँ बर्तमान एक समय हो ब्रेक ब्रेक पर भी जवाब संपर्कित खबर देखा ब्रेक परे स्वागत माड़ी आसुची बात्या जवाब ए संपर्कित खबर आमर जारी रही सहित अच्छा दिल्ली प्रतिनिधि लिपिका महंत भुवनेश्वर अच्छा शांत स्वरूप राउत ब्रह्मपुर राधाश्याम आचार्य संजय महापात्र अच्छा पूरी प्रतिनिधि तेज कथ जो बात्या संपर्कित खबर आम आपखे पहुंचाऊ अनेक लोक मन में हूं तो ये प्रश्न उठू कि बात्या केते जोर हे कि ना केवल मीडिया हाउस बात्या किंतु आपण मन को मन पकु से पुराणा दिन कथा जितेबाला तितली संपर्कित खबर प्रसारित होता सेक लोक यह मजाक भावुते कि राति अधिया ही गजपतिर अनेक गाँ मटी मिशि जाता अनेक गाँ पहाड़ पाद तले दबी जाता तेणु यह एक सतर्कवाणी कहुपर कि सफल मुकाबला करा आ सब बड़ कथा हूँ पूर्वर ओडिशा बारंबार बात्या को मुकाबला करा कि विगत दुई वर्ष मध्य जी बात्या आसुची कोरोना कटक राज्य सरकार जो बात्या मुकाबला करहती प्रशंसन और बात्या आसवा पूर्व ही समस्त प्रकार प्रस्तुति चूड़ा पर्यायर पहुंचे सारी सीधा सड़क जी आम प्रतिनिधि अच्छा पुरी संजय महापात्र संजय अधाधिक ओडिशा बात्यार कलबल हेब आज रातिर वर्षा आरंभ हेब पुरी रे जो समुद्रकूलिया मत्स्यजीवी माने जाइथिले से माने फेरिले नि हाँ निश्चित भाव आप जानते जहां कि आईएमडी सूचना अनुसार वर्तमान जिला प्रशासन पक्षर से कटका जारी कर तीन तारीख ठारू पांच तारीख पर्यंत से समुद्र भितर को माछ मारिया जिबे ना और समुद्र भितर जो मत्स्यजीवी मैंने रही समुद्रकूल को घर को फेरी आसवे और यही आधार में आम जी कही आज भी आम सका देखु कि मत्स्यजीवी जो समुद्र भितर को जाते से धीरे धीरे कूल आज रात संध्या सुधा से घर को फेरबे और से डा धरी बाहर ना मछ मारिया जिबे ना कारण जो प्रकार नियम रही आपंटे सबुठ बेसी जत्नशील होती मत्स्यजीवी मैंने कारण मत्स्यजीवी मैंने समुद्र कूल में बास करती आम जी कही असरग ठू चिलिका पर्यंत कृष्ण प्रसाद पर्यंत बहु मत्स्यजीवी समुद्र पाखे घर करते जेहेतु फनी को सामना करते फनी जो भयावहता रही प्राय 250 किलोमीटर वेगरे पवन होता घर द्वारा सूचना रही हुए तो पुरी लैंडफॉल कर पारे से नहीं कि पुरीवासी अधिक सतर्क हो सारे एवं विगत दिन सूचना को जानिबा परे मध्ये अधाधिक लोके खामख्याल थिले हुए तो से खामख्याल मनोभाव एथर पोषण न करंतु आम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि शांत स्वरूप जोड़ी होती शांत बात्या जवाब पवन कम आणिबो अधाधिक वर्षा हेबो अनेत पक्ष देखु बर्तमान तो पूर्व आकलन जहाँ कर स्पष्ट हो सारी बात्यार प्रभाव में केते मात्रा रे वर्षा हाब और पवन हाब जदियों एजावत
ल्यांडफल स्पॉट को नहीं एक द्वंद्व एवं भी संपूर्ण भाव क्लीयर होना द्वंद्व संपूर्ण भाव दूर होना किंतु तार प्रभाव में ओडिशा के प्रभावित हो वर्षा दृष्टिकोण और पवन दृष्टिकोण स्पष्ट होता मुझे बर्तमान आपको एक सैटेलाइट माध्यम दृश्य देखी जो भाव चित्र बर्तमान विंडी जो आप रही तार जो चित्र रही स्थलपथ को आसवा और बर्तमान केन्द्रीभूत होबार स्थान हिसाब से जहाँ बर्तमान सैटेलाइट द्वारा देखा जाए धीरे 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 जेहतु बर्तमान समुद्र गर्भ रही है समुद्र गर्भर ता स्थलभाग को मुहां होती बर्तमान जेहतु से केवल सामुद्रिक झड़ बा एक बात्यार रूप नहीं आहुरी तीव्र होबार संभावना रही ये आप देखुं चार पांच तारीख चित्र जो पाखापाखी विशाखापाटना अतिक्रम करा उपकूल को आसी स्थलभाग पहुंचुची पुणी स्थलभाग समुद्र आड़ जाए पश्चिम बंग आड़ मुहांती है दृष्टि रखिकी भारतीय पाणीपाग विभाग और भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर मेघखंड गुड़िकारी हो बात्या प्रभाव में दर्शा विशेषकर जो जिला गुड़िक वार्निंग कैटेगोरी रखा जा चार जिला यो जिला गुड़िक रही संपूर्ण ओडिशा भितर विशेषकर जो बंदर गुड़िक रहा गोपालपुर कथ कहतु पुरी कथ कहतु जो रहा पारादीप चांदवाली यही चार बंदर भितर बर्तमान तीन नंबर विपद संघ जारी कराई जेहतु पखापाखी 600 किलोमीटर दूरत रही गोपालपुर 700 किलोमीटर दूरत रही पारादीप रु तेणुक दुईट बंदर को तीन नंबर विपद संकेत आउ दुईट बंदर को एक नंबर विपद संकेत जारी कर वर्षा जनित प्रभाव जहां पर पचारे चारोटी जिला अधिक क्षतिग्रस्त होबार संभावना रही जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल अर्थात जहां रही पाखापाखी 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा होबार संभावना रही चारोटी जिला गजपति गंजाम जगत सिंहपुर पुरी ए चारोटी जिला को मध्य रेड वार्निंग जारी कर प्रबल रु अति प्रबल और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा हे से लगी ए चारोटी जिला को आसंता काली रेड वार्निंग सहित तार आखपाख जो जिला गुड़िक रहा उपकूलवर्ती जिला और उत्तर ओडिशार किसी जिला जो अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग ता संलग्न जिला गुड़िक किसी जिला को येलो कैटेगरी प्रबल वर्षा विभक्त कर आज पाग धीरे धीरे बदल आरंभ होपड़ी भुवनेश्वर झिपझिप वर्षा हालुका वर्षा बर्तमान आरंभ हो सारी दक्षिण ओडिशा चित्र देखा आम प्रतिनिधि सूचना देते से पाग बदल सहित वर्षार प्रभाव देखादेला आज मध्यरात्रि पाग आहुरी परिवर्तन हेबो एवं यार प्रभाव में वर्षार परिमाण एवं पवन परिमाण वृद्धि पाइब जेहेतु जितकी पाखी आसूची उपकूल निकटतर हो समुद्र भितर जेहेतु से रही समुद्र भितर तार शक्ति तार बल आहुरी से शक्तिशाली होउची एवं वर्तमान जेहेतु से केवल सामुद्रिक झड़ में परिणत होउची आसंता किछि घंटा भितर राधाश्याम शांत जो भाव में संपूर्ण सूचना देते पूरा दृश्य देखा कि जगह वर्षा रवन बेग कौन रहा बात्या जवाब वर्तमान रूपरेख कौन रही तेज गंजाम केतोटी ओड्राफ टीम एनडीआरएफ टीम सब मुतयन कर अघटन को एटाइबा क्यों अंचल विशेष गुरुत्व दि जा राधाश्याम जदि देखा शांत जो भाव में पूरा अपडेट देते बात्या जवाब रूपरेख कौन रही पागर परिवर्तन तो आरंभ हो गला गंजाम झिपिझिपी वर्षा हो जाए अधा राति अर्धाधिक बर्षिब तेज क्यों अंचल को विशेष गुरुत्व दि जाए अंचल के ओड्राफ एनडीआरएफ अग्निशम विभाग केमी मुतयन कर पूरा प्रस्तुति तेरे राधा सहित जोगाजोग विच्छिन्न फिर भी परवर्त समय संजय महापात्र संजय पुरी पागर परिवर्तन देखुं कि हाँ निश्चित भाव आम जी कही जेहेतु आसंता जो बात्या जो बात्यार जो बेग बढ़ काली सकालु एवं संध्या भितरे से पुरी रे लैंडफॉल करिवो जेकोसी जगह रे लैंडफॉल करिवो बोलके आईएमडी सूचना देइछंती एवं ताकु नजर के आमे कहि परिवा आज सकालु धीरे धीरे हल्का वर्षा हेतला एवं मेघम आकाश मध्य मेघाचन्न रहितला समुद्र रे जो बड़ बड़ जुआर मध्य आसुला
बर्तमान जदि आम कही कारण चारिटा अपराह चारिटा रु अधिक समय है आपको भी स्पष्ट भाव में सूचना देवा चाहे बर्तमान पुरी में बर्तमान हालका वर्षा चली जोटा कि लोक मैंने जीवन जात प्रभावित होती लोक मैंने जावास कर समुद्र लहरी आग अपेक्षा द्विगुणित आसंता काली अमावास्या रही अमावास्या जो समुद्र में बड़ बड़ जुआर आसुची वर्षार परिमाण आकाश मेघाचन्न समुद्र समुद्र जो प्रकार प्रभाव देखा मिलू तेणु निश्चित भाव समस्त मन में भय संचार मत्स्यजीवी मान अच्छा समस्ते आम जी कही आगुआ किभली भाव में बात्या को से रक्षा पाइबे बात्यार प्रभाव जो समुद्र जबली अंचल को मारि न आसे पेटकटा अंचल जगन्नाथ जो बाना रही बाना को आणी से घर पाखे पोती गोटे बाना रखी दुईटी बाना नुह शह शह बाना वर्तमान से उपकूल में पोता जाफल कि महाप्रभु विश्वास रही जगन्नाथ कृपा जब भाव समुद्र पा साई को न पशे डंगा गुड़िक सुरक्षित भाव में रहे सफल मुकाबला राज्य सरकार समस्त प्रस्तुति शेष पर्यायर कर एनडीआरएफ ओड्राफ टीम मुतयन हो सारे अपेक्षा परवर्ती बुलेटिन को बात्यार गतिपथ कौन रूरा पूरी में लैंडफल कर गतिपथ बदल से संपर्क में जना पड़ वर्तमान समस्त सूचना आलोचना बहुत बहुत धन्यवाद ये संजय महापात्र पूरी प्रतिनिधि शांत स्वरूप भुवनेश्वर थी लिपिका महंत दिल्ली प्रतिनिधि थे ब्रह्मपुर थे राधाश्याम आचार्य।